हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपना, अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे विल डिस्कस ऑन पॉलिसीज फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, की कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सके। वैसे थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं हम, वैसे थोड़ा और देखते हैं इसमें। देर आर टू मेन स्ट्रेटजी फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। पहली है डिमांड साइड पॉलिसीज टू रिड्यूस डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाई रिसेशन। सेकेंड इज सप्लाई साइड पॉलिसीज टू रिड्यूस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ए क्विक लिस्ट ऑफ पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि कुछ जो मेन पॉलिसीज है, कुछ मेन स्ट्रेटजी है, वो डिमांड साइड पॉलिसीज है, एक है अपनी सप्लाई साइड स्ट्रेटजी। तो कुछ जो मेन जो क्विक लिस्ट है पॉलिसीज़ की, जो रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए, वो पहले जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या होता है, कटिंग इंटरेस्ट रेट्स टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। सेकंड इज़ फिस्कल पॉलिसी, कटिंग टैक्सेस टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू हेल्प रिड्यूस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जियोग्राफिकल सब्सिडीज टू एंकरेज फार्म्स टू इन्वेस्ट इन डिप्रेस एरियाज। फिफ्थ इज लोअर मिनिमम वेज टू रिड्यूस रियल वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सिक्स्थ इज मोर फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट टू मेक इट इजियर टू हायर एंड फायर वर्कर्स। पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, एक आपको डायग्राम वी नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है मैंने, उसमें देखेंगे आप कि मैंने एक डायग्राम दे रखा है पॉलिसीज़ का कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कौन कौन सी पॉलिसी करती है। तो मैं सबसे पहले सप्लाई साइड की जो पॉलिसीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की, उनके ऊपर उनको बताता हूँ। जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू सॉल्व ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, कि जो एजुकेशन है सप्लाई साइड में, एजुकेशन ट्रेनिंग के थ्रू, और जियोग्राफिकल सब्सिडीज टू हेल्प वर्कर्स एंड फार्म मूव्स। थर्ड इज लेबर एंड रिमूव लेबर मार्केट रेगुलेशंस टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज टू एंकरेज फर्म्स टू टेक ऑन द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज लोअर मिनिमम वेज रिड्यूस पावर ट्रेड यूनियंस टू रिड्यूस रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो होगी सप्लाई साइड की बात। अपन बात करूँ डिमांड साइड की बात, मॉनेटरी पॉलिसी कटिंग इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। डिमांड साइड में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। सेकेंड इज फिस्कल पॉलिसी एंड थर्ड इज डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये तो बात हो गई अपनी। अब मैं बोलूँ डिमांड, अब इन सब को डिस्कस करते हैं अपन एक एक चीज़ को। सॉरी, तो अपन एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं इसमें। देखो सप्लाई साइड एजुकेशन में क्या है, सप्लाई साइड जो पॉलिसीज़ है एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की वो, और डिमांड साइड में कौन कौन सी पॉलिसी, उनको अब इससे एक एक चीज़ को पढ़ेंगे अपन। अब मैं बात करूँ सबसे पहले डिमांड साइड पॉलिसीज। फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कैन डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट वा हेल्पिंग टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द गवर्नमेंट विल नीड टू परस्यू एक्सपेंडिटरी फिस्कल पॉलिसी। दिस इन्वॉल्व कटिंग टैक्सेज एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लोअर टैक्सेज, इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, वैल्यूएटेड टैक्स, वैट कट टू 15% इन 2008 एंड देयर फॉर हेल्प टू इंक्रीज कंजक्शन लीडिंग टू हायर एग्रीगेट डिमांड। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, लोगों की इनकम को बढ़ाने पर जोर दिया था, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे डिमांड इंक्रीज कर सके अपन वो। तो लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी, अगर हम उनके जो टैक्स रेट है उनको कम कर दिया कर देंगे। टैक्स रेट में कम करने के बाद अपन क्या देखेंगे, अपन
कि लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंशन होते हैं लोगों के ऊपर, उन वेलफेयर वर्कर वर्क्स के ऊपर, तो वो बढ़ने चाहिए। इससे बढ़ेंगे तो लोगों फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। विद एन इंक्रीज इन एडिशनल डिमांड देयर विल बी एन इंक्रीज टू रियल जीडीपी। अगर एडिशनल डिमांड में हमारी सॉरी एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होती है तो हमारी रियल जीडीपी भी इंक्रीज होगी, एज लॉन्ग एज देर इज स्पेयर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इफ़ फर्म्स प्रोड्यूस मोर देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर वर्कर्स एंड देयर फॉर लोअर डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। ऑल्सो विद हायर एग्रीगेट डिमांड एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूअर फर्म्स विल गो बैंकक्रप्ट, मीनिंग फ्यूअर जॉब लॉसेस। अगर देखो मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, तो मार्केट में जब डिमांड ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि बैंक में जैसे कि बैंक से मैं बैंक की बात करूँ, बैंक की बात में अगर बैंक के क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो पा रहा है तो बैंक करप्ट हो जाएंगे। अगर कोई फर्म्स बैंक के नहीं फर्म्स है, अगर फर्म्स में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, उनके प्रोडक्ट इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है फर्म प्रोडक्शन में, और उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है, तो वो बैंक करप्ट हो जाएंगे, मतलब कि वो दिवालिया घोषित हो जाएंगे। लोगों उनको चौकअप जो उनके पास लोन है उन पर जो वो रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे, उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे रीपेमेंट, तो इस वजह से बैंक्स वो फर्म बंद हो जाएंगी। बंद होने की कंडीशन में मार्केट में बहुत सारे जॉब लेस हो जाएंगे, तो इस वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसके इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग होगी। किन्स वाज एन एक्टिव एडवोकेट टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग ए prolonged recession. He argued that in a recession resources both capital and labor are ideal, therefore the government should intervene and create additional demand to reduce unemployment. Impact of higher additional demand on economy. Kya economy pe higher aggregate demand ke kya effect padte hai? Dekho, so an increase in AD cause higher real GDP. The increase in output lead to firms needing more workers. तो ये देखो नीचे बात करें, इनकम की बात हो रही है, वो बात कर रहे हैं अपन। देखो PL है, P1 है, P1 पे अपने Y1 दे रखा है, ये अपने रियल GDP के पास बात कर रहा हूँ मैं। PL बोले तो रियल GDP इनकम, इनकम हमारी इतने Y1 है, तो P1 है तो डिमांड हमारी कितनी है, AD1 है। तो इसी तरीके से जैसे हमारी रियल GDP और इंक्रीज हुई Y1 से Y2 हुई, तो P2 प्राइजेज P2 हो जाती है, तो मार्केट में डिमांड और होगी, मार्केट में जो AD एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ के AD2 हो जाती है। इसका मतलब है कि मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। देखो और आगे बात करूँ, इट डिपेंड ऑन द अदर कंपोनेंट्स ऑफ AD। If confidence is low, cutting taxes may not increase consumer spending because people prefer to save. Also, people may not spend tax cuts if they will soon be reserved. Fiscal policy may have time lags. A decision to increase government spending may take a long time to affect aggregate demand. तो इसमें क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी में क्या टाइम कम होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करने में क्या लॉन्ग टाइम चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड को लॉन्ग टाइम में अफेक्ट करेगा। इफ द इकोनॉमी इज क्लोज टू फुल कैपेसिटी एंड इंक्रीज इन AD विल ओनली कॉज इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी इज क्लोज, हमारी इकोनॉमिक क्लोजर फुल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन कर रही है, तो एडिशनल जो डिमांड होगी अपनी, एग्रीगेट डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी, लेकिन वो कॉज होगा इन्फ्लेशन का। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी विल ओनली रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट।
जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी वो ही अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है। देयर इज़ एन आउटपुट गैप होना चाहिए। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी विल रिक्वायर हायर गवर्नमेंट बोरोविंग। जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बोरोविंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसको। दिस मे नॉट बी पॉसिबल फॉर कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ डेब्ट्स एंड राइजिंग बाउंड्रीज। बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि उतने सारे लोन्स को दे सके, लोन ले सके इस तरीके से। इन द लॉन्ग रन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में कॉज क्राउडिंग आउट द गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग बट बिकॉज दे बोरो फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर दे हैव लेस टू स्पेंड एंड देयर फॉर एडिशनल डिमांड डज नॉट इंक्रीज। However, Keynesian argue crowding out will not occur in a liquidity trap. तो हमने ये बात की फिस्कल पॉलिसी के अंदर कैसे अपन अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये फिस्कल पॉलिसी के बाद की फिस्कल पॉलिसी के अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। अपने सप्लाई साइड की बात की और डिमांड साइड की भी बात की, किस तरीके से दोनों में डिफरेंस हो सकता है, कि सप्लाई साइड में किस तरीके से अपने अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं और किस तरीके से डिमांड साइड से अपन जो डिमांड साइड पॉलिसीज है उनका यूज़ करके अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हमने आज डिमांड साइड की जो पॉलिसीज है उसमें फिस्कल पॉलिसी के ऊपर डिस्कस किया, ग्राफ देखा और उसके कुछ कैसे कि कैसे डिपेंड करेगा कि डिमांड साइड कंपोनेंट्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स होता है, डिपेंड्स जो फिस्कल पॉलिसी डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड पर का, ठीक है। ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इसके लिए और फुल कैपेसिटी सेल्फ प्रोडक्शन करें तो अगर एग्रीगेट डिमांड कारण बन सकती है इन्फ्लेशन का भी। ये सारी चीज़ें अपन ने बात की है इसमें। तो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। इससे आगे अपन जो डिमांड साइड है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने की पॉलिसी में आज कल नेक्स्ट क्लास में मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।